देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो है लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, उससे लोगों का बजट भी बिगड़ गया है। वहीं अगर आज के दामों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम 10 पैसे बढ़कर 82.36 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए, तो वहीं डीजल की कीमत 27 पैसे से बढ़कर 74.62 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं अगर बात करें मुंबई की तो वहां पर पेट्रोल के दामों में 9 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे इसके दाम 87.82 रुपये प्रति लीटर हो गया है। तो वहीं डीजल के दामों में 29 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इसके दाम 78.22 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वाकई में ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि इस तरह से महंगाई के इस दौर में लोगों पर इतना बड़ा दबाव बन रहा है। एक तरफ महंगाई सातवें आसमान तक पहुँच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ तेल के बढ़ते दामों ने लोगों का तेल निकाल दिया है। यह हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से तेल के दामों में इजाफा हो रहा है, उससे लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को जनता की तरफ से बड़ा झटका लग सकता है। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।